राधे। श्री प्रिया प्रीतम के श्री पम पावन चरणों का आश्रय लेते हुए श्रीमद् भागवत का आज का ये दिव्यतम श्री आनंदकंद भगवान की लीला महारास। अनंत अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव केवल एक ही लक्ष्य लेकर आता है, अपने परमात्मा से मिलने का। शायद पहले भी चर्चा हुई हो इस सोपान के दौरान कि जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, परिपूर्ण लक्ष्य चीर लक्ष्य परमात्मा ने ब्रह्म नहीं है। परमात्मा लक्ष्य होता तो जीव दुखी ना होता, परमात्मा लक्ष्य होता तो जीव के जीवन में दुख ना होता, तनाव ना होता, क्योंकि परमात्मा तो घट घट वासी है। आप अनुभव करें कि ना करें, लेकिन प्रत्येक घट के अंदर ब्रह्म विराजमान है। सूक्ष्म रूप में, विराट रूप में भगवान सदा विराजमान है, सर्वत्र है, सर्वदा है। प्रत्येक घट के अंदर भगवान विराजमान है। अगर भगवान लक्ष्य है तो फिर दुख ना हो, इसका अर्थ है कि जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा नहीं, परमात्मा से आगे भी कुछ है और है, और वो क्या? प्रियतम। तभी गुरु नानक साहब ने कहा कि जीव रूपी प्रियसी का लक्ष्य परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलना है। परमात्मा से नहीं, परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलना, क्योंकि प्रीतम में रस है, प्रीतम में आनंद है। वो जो परम रस है, वो महारास का जो परम पावन दृश्य है, वो प्रियसी का प्रीतम से मिलना है। जहां पर फिर पल पल का बिछुड़ना भी, पल पल का मिलना भी। नित्य कुंज की लीला में, केली कुंज की लीला में प्रिया जी एहसास होगा देखने से बड़े दुखी हैं। जो अब मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़ी ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं हैं। उन्होंने का ऐसा स्वादन केवल रसिकों में, केवल भक्तों में हुआ करता है, और खुले मंच का विषय भी नहीं है वो। लेकिन फिर भी केली कुंज की लीला में जब किशोरी जी रोती हैं तो सखियां पूछती हैं, आप किशोरी जी इतना वेदना से भरी हुई, इतना दर्द में भरी हुई किस लिए रो रही हैं, और कारण क्या है दर्द का? कितना युग बदल गए, किशोरी जी कहती हैं, कितने युग बीत गए, श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ, कितने युग बदल गए, गिरधर गोपाल आए नहीं सन्मुख, एक झलक पाई नहीं है गिरधर गोपाल की, जबकि अभी अभी मिलकर गए हैं, अभी अभी श्याम सुंदर मिलकर गए हैं, अभी एक क्षण नहीं बीता। और उस एक क्षण में किशोरी जी को यूं एहसास होता है युग बीत गए पर वो नहीं आए। और उस एक एक पल के बिछड़ने की स्थिति, जैसे नारद भक्ति सूत्रों में कहते हैं कि जीव अपने समस्त कर्मों को ठाकुर जी के चरणारविंदों में अर्पित करे और इनकी एक पल की विस्मृति जीव को तड़फा दे, जीव को रुला दे, कुछ ऐसी स्थिति जीव की हो जाए। फिर ये जो वेदना है, ध्यान रखिएगा, प्रेम का स्वरूप क्या है? केवल प्रीतम सन्मुख है वो प्रेम नहीं है। असली प्रेम की प्रकाष्ठा प्रतीत होती है जब वियोग होता है, वियोग के अंदर प्रेम की प्रकाष्ठा है। ये जो नित्य मिलन है, नित्य बिछोह है, ये जो वृंदावन धाम की निकुंज की नित्य की लीला है, केली कुंज की लीला है, जहाँ किशोरी जी बैठी हैं, एक पल में यूं लगता है कि युग बदल गए, अभी अभी मिलना हुआ था, अभी बिछोड़ हो गया, ये प्रतिदिन की लीला है, प्रतिपल की लीला है, और यही प्रेम का रसास्वादन है। ये जो बीच में वियोग किस लिए है? ध्यान रखिएगा, प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके भीतर में एक वियोग की परिस्थिति नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा दूरी बनेगी तो प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पर जाएगा, प्रेम अपनी परम सीमा पर जाएगा, और वही रहस्य महाराज का रहस्य है, प्रेम को परिपूर्ण करना। और ध्यान दीजिएगा, भागवत जिस वक्त भागवत सुनते सुनते महाराज का प्रसंग आता है, महाराज आती है, जहाँ पर विशुद्ध आत्माएं अपने परमात्मा के प्रीतम से एक हो जाती हैं, वहीं पर हमारी भागवत पूर्ण हो जाती है। सही माने में तो भागवत वही है, भागवत का लक्ष्य यही है, क्योंकि नारद जी ने क्या कहा, यह तलब्धवा अपमान सिद्धो भवति, लक्ष्य पूर्ण हो गया। और लक्ष्य जीव का क्या है? इनसे मिलना है। और मिलन कहाँ हो रहा है भगवान से? जब महाराज की लीला है, जहां पर अनंत अनंत जन्मों की कामनाएं भी कृष्ण चरणों में अर्पित हो गई,
जहां पर जीव इस बात का एहसास कर लेता है प्रभु इतने जन्म बीत गए, मुझे लगता नहीं कामनाएं शांत हो रही हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं, बार बार मेरा मन संसार की ओर आकर्षित हो जाता है, बार बार संसार की वेदना से भर जाता हूँ, बार बार संसार की भोग विलासताएं पल पल छिन छिन मेरे मन को इस कदर कुचल देती है, जीव जीव असहाय हो जाता है, जीव असमर्थ हो जाता है आपको पाने के लिए। संसार का आकर्षण इतना अधिक प्रबल है, आप सन्मुख आ जाएं तब भी भगवान का स्वरूप आकर्षित नहीं कर पाता कई बार जीव को, जितना संसार का प्रबल आकर्षण जीव को दबा देता है, असहाय हो जाता है जीव। और तब जीव ही विनती करता है प्रभु मैं क्या करूं, अनंत जन्म बीत गए, इतना साहस मुझ में नहीं है कि मैं संसार को छोड़ पाऊं, आप कुछ कृपा कर दें, आप प्रसाद रूप में कुछ ऐसा ऐसी ऐसी कोई बख्शीश प्रदान कर दें कि मन संसार से हट जाए और आपके चरणारविंदों की ओर लेकर चला जाए। ध्यान दीजिए, धरती कभी भगवान से विहीन नहीं होती, कोई ना कोई रूप में भगवान लीला सदा करते रहते हैं, कभी भारत की धरा उनसे विहीन ना तो हुई, ना होती है, ना कभी होगी। इसलिए ये जो वियोग और प्रेम का ये प्रसंग है ये सदा चलता रहता है, ये महाराज की लीला सदा है, लेकिन एक बार अंतर हृदय में गोपिकाओं जैसा भाव प्रकट हो, एक मिलन की आकांक्षा हो प्रभु के चरणों की ओर। दासी की प्रभु बिने सुनो अब जान के अपनी चेरी, एक बार चरणों से लगा लो है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रियतम। एक बार जब जीव इनके सन्मुख अपनी कामनाओं को अर्पित कर देता है, इस बात को स्वीकार ही कर लेता है कि प्रभु मेरे किए नहीं होगा जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, मैं दीनहीन, मैं कहां तक आप तक जा नहीं सकता। आप ध्यान दीजिए, नारद वक्तृत्व में एक बड़ी सुंदर बात करते हैं कि हम स्वरूप की सेवा क्यों करते हैं, भक्त क्यों एक स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, कारण क्या है। थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी गहराई से चिंतन कीजिएगा, क्यों क्यों भगवान के स्वरूप के सम्मुख जीव बैठता है, क्यों इनकी सेवा करने लग जाता है, मिलता क्या है एक जीव को इससे। बोले जीव अपनी असमर्थता भगवान के सामने दिखा रहा है, कैसे। बोले भगवान आप बड़े विराट हैं, आप अनंत हैं, आप अखंड हैं, आप अभेद हैं, आप अतुलनीय हैं, और मैं दीनहीन सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, मैं आप तक नहीं जा सकता। ये जीव कह रहा है मैं आप तक नहीं जा सकता, आप इतने विराट हैं, मैं इतना सूक्ष्म हूं, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा आप तक, आप अनंत हैं, आप असीम हैं, और मैं बिल्कुल ही सीमित हूं, मेरा मन संकुचित है, मेरा मन सीमित है, ये देह सीमित है, और अखंड को की तुलना मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, मैं आप तक नहीं जा सकता, मैं आपकी परिकल्पना नहीं कर सकता, आप कैसे हैं मैं नहीं जान सकता, आप कितने विशाल हैं, कितने अनंत हैं, मुझे नहीं पता। इसलिए एक जीव क्या करता है, एक भक्त क्या करता है, वो अपनी अंतर्निहितता से भगवान का एक प्रतीक बना लेता है, छोटा सा भगवान का एक प्रतीक रख लेता है, एक छोटा सा, प्रभु आप अनंत हैं, मैं आप तक नहीं आ सकता, लेकिन आप मुझ तक आ सकते हैं, मेरी इतनी पहुंच नहीं आप तक पहुंच जाऊं, लेकिन आप तो पहुंच सकते हैं, मैं विराटता में आपको ढूंढ नहीं सकता, पर आप मेरी सूक्ष्मता में आप तो आ सकते हैं। इसलिए भक्त एक स्वरूप एक प्रतीक बनाकर फिर उस प्रतीक के अंदर उस अनंत ब्रह्म का आवाहन करता है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रतीक बनाकर एक भक्त क्या करता है, अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से उसी निराकार ब्रह्म को, उसी निर्गुण ब्रह्म को, उसी अनंत अनंत ब्रह्म को उस प्रतीक में आवाहन करता है, क्योंकि मैं वहां तक नहीं जा सकता, आप यहां तक आ सकते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, प्रभु तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं, अनंत से अनंत भी हैं, और अपने भक्त की पुकार से फिर भगवान उस प्रतीक में प्रतिष्ठित होते हैं।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने की औकात किसी जीव में नहीं है। किसी भी जीव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की औकात नहीं है। किसी मंत्र के द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, ये भक्त प्रमाण प्रतिष्ठा करता है। भक्त आवाहन करता है तो भगवान आते हैं, उसकी पुकार सुनकर भगवान। मैंने पहले कहा था हमारे मंदिर की प्रतिमाएं केवल प्रतीक हैं, भक्त है तो प्रमाण है। शबरी आएगी तो रघुनाथ जी प्रमाणित तो हो जाएंगे। आप अंतर हृदय से पुकारेंगे, यहाँ देखो कितने प्रमाण मिलते हैं। प्रथम दिन प्रारंभ हुआ भागवत जी का, आप श्रद्धा भाव से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं और भगवान भोग लगा लेते हैं, प्रमाणिकता है उसकी। वो पग पग पर प्रमाण देता है अपना, जबकि इसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रमाणित है। लेकिन अपने भक्त के प्रेम के लिए वो कुछ चिन्ह छोड़ता है, वो कुछ प्रमाणता छोड़ता है। इसलिए तुम एहसास रखो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, सिर्फ एहसास है। भक्त के आवाहन से भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नारद जी के सूत्र बड़े कमाल के। सूत्र का अर्थ क्या होता है? जो है छोटा लेकिन बड़ा गहरा हो, कहने में छोटा हो लेकिन गहराई बहुत ज्यादा हो। आप ध्यान दीजिए, कृष्ण की जितने स्वरूप हमने बनाए वो काले हैं। भगवान का जितना विग्रह है, आप कहीं जाइए बिहारी जी, बांके बिहारी जी बिल्कुल काले हैं। राधा वल्लभ जी महाराज काले हैं, राधा रमन जी काले हैं। श्री कृष्ण के जितने विग्रह आपको मिलेंगे वो काले मिलेंगे। आप परिकल्पना करें, क्या भगवान इतने काले हैं? नहीं, नहीं। तो फिर भगवान का विग्रह काला क्यों बनाया गया? भगवान इस रंग में क्यों प्रतिष्ठित हो जाते हैं? भगवान की प्रत्येक चीज कुछ संकेत कर रही है। ध्यान दीजिए, काले का मतलब होता है गहरा। आप देखिए, जहां पर जल बहुत ज्यादा गहरा होगा उसका रंग काला हो जाएगा। कहीं पर जाकर देखिए, जहां जितनी अधिक जल की गहराई बढ़ती जाएगी उसका रंग कैसा होगा? एकदम काला होगा। काला गहराई का प्रतीक है। माने कृष्ण इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं, अगर आप कृष्ण के उस परम रस में उस गहराई के अंदर प्रवेश करें तो प्रवेश करते करते एक अवस्था आएगी, आप कृष्ण हो जाएंगे। आप देखिएगा, आज जब महाराज का प्रसंग होगा तो गोपिका गीत से पहले प्रणय गीत आएगा। जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और जैसे कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं, गोपिकाएं छटपटाती हैं, तो उस विरह की अवस्था में, उस व्याकुलता की अवस्था में गोपिकाएं इतना प्रवेश कर जाती हैं गहराई में कृष्ण चिंतन में कि कृष्ण करते 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 गोपिकाएं कृष्ण ही हो जाती हैं। और यही सच है, वास्तविकता यही है कि भक्त भगवान का भजन करते 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 एक दिन भगवान ही हो जाता है। इससे कम में काम नहीं होता। आप जिस रूप का नाम दिन रात चिंतन करते हैं एक दिन आप वही हो जाते हैं। लेकिन होता क्या, जैसे ही भक्त भगवान बनता है तो भक्त इस बात को अनुभव कर लेता है कि भगवान बनने में सुख नहीं है, जो सुख भक्त बनने में है। ये भक्त रियलाइज करता है इस बात को। जब भक्त उनका चिंतन करते करते भगवान बनेगा, भगवान बनने के बाद भक्त को एहसास होता है अरे भगवान बनने में तो आनंद ही नहीं है, जो आनंद इनकी सेवा करने में आता है। और सेवा करने के लिए फिर भक्त को भक्त बनना पड़ता है। पहले अद्वैत आएगा, अद्वैत से भक्त फिर द्वैत बनेगा, फिर थोड़ी दूरी बनाएगा। गोपिकाएं प्रणय गीत में बिल्कुल कृष्ण हो जाती है। आप भागवत पढ़िए, बिल्कुल कृष्ण हो जाती है। और कृष्ण बनने के बाद फिर गोपिकाएं इस बात की अनुभूति कर लेती है कृष्ण बनने में तो आनंद ही नहीं है, जो आनंद गोपिका बनकर इनकी सेवा करने में आता है। भोर भैसे सांझ डरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सुलागत, कब ते निहारत आप की ओर कि आप हमारी ओर निहारो, राधा कृष्ण हमारी धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो,
राधा कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। कृष्ण चिंतन करते करते जीव एकदम कृष्ण ही हो जाता है। इस बात का प्रतीक है भगवान का विग्रह। अशोक वाटिका में माँ जानकी अम्बा विराजमान है, त्रिजटा सन्मुख बैठे हैं जानकी अम्बा के। और आज जानकी बड़ी व्यथित है, बहुत अधिक व्यथित है। त्रिजटा ने पूछा, जानकी आज इतना व्यथित क्यों है पुत्री तू? और कहते कहते अपने मन का भाव त्रिजटा से कहती है जानकी अम्बा। बोले, माँ मैंने सुना है संतों महात्माओं से कि जब कोई जीव बहुत अधिक भगवान का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, दिन रात चिंतन करता है, प्रतिपल ईश्वर का चिंतन करता है, तो जीव ईश्वरमयी हो जाता है, जीव ही ब्रह्म हो जाता है। बोले, बात तो सत्य है, लेकिन तू व्यथित क्यों है? बोले, मैं व्यथित इसलिए हूँ कि मैं तो प्रतिपल प्रत्येक क्षण अपने रघुनाथ जी को याद करती हूँ। मेरा मन तो हर वक्त, मेरा हृदय तो प्रतिपल रघुनाथ जी की सेवा में लगा हुआ है, रघुनाथ जी का चिंतन करता है। और मैं इस बात की वेदना मेरे अंतर हृदय में है कि इतना चिंतन करते करते राम जी का, अगर मैं राम हो गई तो, ये सीता जी कह रही हैं, अगर रघुनाथ जी का चिंतन करते करते मैं राम बन गई तो। त्रिजटा मुस्कुरा, बोले फिर, बोले इस बात की व्यथा है कि अगर मैं राम हो गई तो मेरे रघुनाथ जी की सेवा कौन करेगा? देखो, जानकी जी को सेवा का सुख का आनंद है कि अगर राम जी का चिंतन करते करते मैं राम हो गई तो मेरे रघुनाथ जी की सेवा कौन करेगा? त्रिजटा मुस्कुराई, बोले जानकी तो कितनी भोली है। अरे पगली, जिस प्रकार से प्रतिपल प्रतिक्षण रघुनाथ जी का चिंतन करते करते तू रघुनाथ हो जाएगी, उसी प्रकार राम भी तेरा चिंतन करते करते एक दिन सीता हो जाएंगे। सेवा तो वही रहेगी, युगल जुड़ी तो वही रहेगी। बोली, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो बीच की आनंद की स्थिति है वो कभी क्षीण नहीं होगी, वो सदा रहेगी। इसलिए प्रत्येक पल महाराज का दृश्य क्या है? महाराज से पहले प्रणय गीत है। प्रणय गीत माने एक बार भक्त भगवान तक पहुंचता है, एक बार भक्त भगवान बनता है, एक बार गोपिकाएं कृष्णमयी हो जाती है, परिपूर्ण कृष्णमयी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी सी दूरी बनाती है क्योंकि परम रस का अनुभव जो करना है, परम रस जो लेना है, वो रस लेने के लिए वो दूरी बनेगी। जबकि वियोग भी है, एक दर्द भी है, लेकिन वो वेदना वो दर्द केवल इसलिए है ताकि परम रस की अनुभूति जीव कर पाए, उसकी अनुभूति कर पाए। पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना। ए शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के का रस स्वादन करवाने के लिए। यहाँ पर अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई भगवान की अशुल्क दासिकाएं, अशुल्क परिचारिकाएं प्रभु से एक हो रही हैं, जहां मिलना है
जीवन का लक्ष्य केवल भगवान तक पहुंचना है, ब्रह्म के श्रीनारविंदों का आश्रय होना, या यूं कहे परमात्मा से आगे प्रियतम रस कहाँ है, प्रियतम में, प्रियतम तक पहुंचना। एक बार वो कृपा हो जाए, लेकिन फिर नारद कहते हैं कृपा कब होगी, जब किसी भक्त का आश्रय ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आधार भक्त ही है, आधार महात्मा ही कोई है, कोई साधु ही है। बिन साधु महात्मा के, बिन सदगुरु के संग के उस लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। महादेव भी आते हैं महाराज में, महादेव की इच्छा होती है कि चलो और वृंदा विपिन बिहारी की महाराज के आनंद लूं, लेकिन महादेव को भी परमिशन की आज्ञा नहीं है, वो भी नहीं आ सकते। महादेव को आने के लिए भी सबसे पहले गुरु ही चाहिए, सदगुरु चाहिए, और फिर महादेव के सदगुरु कौन बनती हैं? भगवान के प्रमुख अष्ट सखियों में ललिता सखी देवादिदेव महादेव को गोपी रूप धारण करवाती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, गोपी रूप धारण करने का अर्थ ये नहीं कि मात्र साड़ी पहन लेना, कुछ बिंदियां लगा लेना, श्रृंगार कर लेना तो आप गोपी बन जाते हैं। गोपी तो अंतर आत्मा की वो परम स्थिति है, जहां पर प्रत्येक इंद्रिया अब कृष्ण रस की चाहना करती है। उठते बैठते सोते जागते केवल कृष्ण ही मन की लालसा है, जैसा गोपिकाएं कहती हैं, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। अब तो उठते बैठते सोते चलते फिरते हर अवस्था में केवल कृष्ण का ही चिंतन गोपिकाएं करती हैं। ऐसी अवस्था जीव की हो जाए तो भगवान सन्मुख है। इसलिए बार बार कहते हो वेद स्पष्ट आज्ञा करते, इनकी प्रतिमा को प्रतिमा समझना ही अपराध है, प्रत्यक्ष है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के रंगनाथ जी का मंदिर जो लोग गए हैं, रंगनाथ जी के प्रकोटे में एक छोटी सी कोठरी में एक परम भक्ता ठाकुर जी की दुर्गी माँ रहती है। दुर्गी माँ, देखो आप व्यासपीठ से हमेशा एक बात सुनेंगे, था नहीं सुनेंगे, दुर्गी माँ है। यहाँ से जो उच्चारण होता है वो था में नहीं होता है, में ही होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा भगवान का नाम रूप लीला धाम और भक्त नित्य है। वो थे नहीं, वो सदा है। भगवान की लीला सदा चलती रहती है, भगवान के भक्त नित्य है, सदा है। वो पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में ही है हमेशा। तो रंगनाथ जी के प्रकोटे की एक छोटी सी कोठरी में दुर्गी माँ रहती है, बिल्कुल छोटी सी कोठरी है। और दुर्गी माँ और उनका लाडला बेटा गोपाल, ये दोनों ही बस कुटिया में। गोपाल कौन? जिसको आप केवल मूर्ति समझते हैं, लड्डू गोपाल, उस गोपाल की